बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं ऑन दी वे। आज मैं ऑन दी वे में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी होंगी, आज मैं एक स्पेशल जगह में मौजूद हूँ और इस स्पेशल जगह का जो मेन कॉन्सेप्ट है मुझे आपको दिखाने का, वो ये है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीन पेंटिंग्स जो है ना वो होती हैं और मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग में, मुख्तलिफ़ कलर्स में, मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों की कॉपीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। तो अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया अपने काम का, और ये पहला काम जो है आप देखें कितनी खूबसूरती से, मोस्टली लोग जो है इसको, ये बेसिकली कैनवस पे ज़्यादा जो है वो होती हैं, और इसको कैनवस पे करने का मतलब ये होता है ये ऑयल पेंट में होती है। तो इसको आप फ्रेम इसलिए नहीं करते, फ्रेम से बोला दी कि ग्लास इस पर इसलिए नहीं लगाते हैं कि इसको आप कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखें आप, इसकी डिटेल देखें, इसी के बिल्कुल ऊपर आ जाएं, इसको चेक करें, इसकी डिटेल चेक करें। और ये भी कॉपी है लेकिन ये भी कैनवस में, और इसके ऊपर भी आप गिलास वैसे नहीं यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि इसको कपड़े से आप गीले पानी से आराम से साफ़ कर सकते हैं। इसका फ्रेम जो होता है वो फाइबर का होता है, यानी कि लकड़ी के फ्रेम में नहीं होती है। अच्छा, फिर आप आ जाएं, ये एक बड़ी खूबसूरत आर्टिकल है और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, और ये बहुत फेमस दुकान शॉप है इस एरिए की। ये गुलशन इकबाल नीपा कहलाता है, तेराडी का एरिया, सलीम सेंटर। ये जैसे देखें आप कितनी खूबसूरत पिक्चर है, और ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैं आपको ले लिया पेरिस। ओह, मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि मैं पेरिस इसी तरह से देखूँ, और इंशाल्लाह मैं देखूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ भी वीडियो शूट करनी है। आज मैं इसकी तस्वीर को शूट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको जब वहाँ जाऊँगा तो मैं लाजमी आपसे ये वीडियो शेयर करूँगा कि देखें आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसके अलावा जो है ये देखें कितनी खूबसूरत जो है वो पेंटिंग है। अच्छा, इनके पास छोटी चीज़ें भी, इस तरह की चीज़ें इस तरह से लाइक दिस। अभी जो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छी आपको लगेगी। दरअसल ये छोटे फ्रेम्स हैं, इसकी फ्रेमिंग पहले से हुई हुई है, और ये ज़्यादातर जो है वो 3D में डिज़ाइन की जाती हैं। डिटेल चेक करें आप, कितनी खूबसूरत तरीन बिचरे पौधे, सब चीज़ें उन्होंने ऐसे दिखाई है जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल। दीवार की खस्ता हालत, ऊपर खिड़की, सामने घर, हैंडपम्प, साइकिल, मतलब डिटेल आप जो है वो चेक करें, ये कितनी खूबसूरत तरीन तरीके से जो इन्होंने वो काम को दिया। एक मुझे तस्वीर इन्होंने बताई थी कि भाई ये भी लाजमी जो है वो, ये ओरिजिनल, ये भी कॉपी है, ये भी आर्टिकल है, और ये किसी डिज़ाइनर का है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं दिस वन, इस पर थोड़ा सा शेडो पड़ रहा है लाइट का, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत पिक्चर है। ये देखें कितनी कलरफुल है, इन्होंने इस पर नाम नहीं दिया है बेसिकली, लेकिन ये है सब कॉपी, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इसकी कीमत जो है वो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 8 लाख, डिपेंड करता है ये क्या काम हो रहा है। और क्योंकि ये कैनवस पे होती है तो ये ख़राब नहीं होती है, इस पर फ्रेम कराना ज़रूरी नहीं होता है, फ्रेम से बुला दिए कि शीशा लगवाना ज़रूरी नहीं होता है। ये घर की खूबसूरती को बहुत बढ़ाती है। अब ये देखिए, ये अल्लाह बख्श साहब हैं एक मुसव्विर, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इसकी आप डिटेल चेक करें कि किस तरह से उन्होंने इसको, पेड़ को बैकग्राउंड में देखें, पेड़ वाला है, नीचे ग्रास देखें किस तरह से, फिर एक छोटा सा रास्ता उन्होंने बनाया है, नीचे शेडो बनाया है, और ये बहुत हरियाली टाइप लाइक सरसों का खेत या इस तरह से किसी किस्म का कोई खेत इन्होंने बनाया है। ऊपर एक दरख्त छोटा सा सूखा हुआ, फिर इन्होंने ग्रीनरी दिखाई है, और ये घर है, ये घर का मेरे ख्याल है
बैक साइड है, जैसे गांव में देहातों में घर होते हैं उसका ये बैक साइड है। अच्छा, इसी के साथ फिर आप एक ऊपर देखें तस्वीर को, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसमें भी लोगों को चलते हुए दिखाया जा रहा है, एक मार्केट का एक अक्स नुमाया करने की कोशिश की गई है। फैमिली जो है वो ट्रैवल पे हैं, ये भी कोई बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों की तारीफ़ें तो आपको पता ही है क्या क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी नाम हो वो बाबरकत है, वो सारे मसाइल का हल है, चाहे अल्लाह का कोई भी नाम हो। और इतनी खूबसूरती से जो है ये बना के, आई थिंक ये जो है वो डिज़ाइन किया गया है शीशे पे, ये फ्रेम हुआ है, और इसको फ्रेम इसलिए किया गया है क्योंकि अल्लाह के नाम है, इस पर बार बार हाथ लगाना आपकी इस हालत में कैसा। ये भी मेरे ख्याल कैनवस पे होगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं, ये भी एक तस्वीर देखें कितनी खूबसूरत है, इसकी डिटेल चेक करें। ये कोई जवाद हैं, उसकी ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, लेकिन डिटेल चेक करें आप, कितने कलरफुल, कितनी खूबसूरत। आसमान, ये इन्होंने आई थिंक ये भी जवाद भाई की है, लेकिन ये कॉपी है। इसमें इन्होंने कोई अक्स दिया है, सुभान अल्लाह ही वबी हमदी, सुभान अल्लाह ही अज़ीम, आई थिंक सुभान अल्लाह ही वबी हमदी, और आगे मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की हमद है, अल्लाह की सना है। और फिर हम आ जाते हैं, अच्छा अमूमन हम घरों में जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे अल राज़िकु, अल कय्यूम, अल खालिक, अल मालिक, इस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नाम जो है वो अलग अलग ये पूरा ज़बान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये 100% जो है वो इसकी डिटेल चेक करें कि आयत को कितनी खूबसूरती से मैनेज किया है अपनी चीज़ों में। ये भी जवाद भाई हैं, और इनकी जवाद भाई की कॉपी है, ये बेसिकली ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, फिर हम दिखाते हैं आपको लोहे कुरानी, और लोहे कुरानी तो हर घर में जो है वो तकरीबन जो है वो लोग अपने घरों में जो है वो यूज़ करते हैं, लगाते हैं खूबसूरती के लिए भी, अल्लाह की तारीफ़ के लिए भी, बरकत के लिए भी। अच्छा, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुरान पाक की पहली आयत है, पहली सूरत है, और इसको भी बहुत खूबसूरती से डिटेल में एक एक लफ्ज़ को नुमाया किया है। ये भी आई थिंक रिजवान समद या इस तरह से कोई डिज़ाइनर है उनका, आर्ट सॉरी मुसव्विर है। और कौसर, सूरह कौसर, इसका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह के नामों की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है ना। ये देखें कितना कलरफुल, और डिटेल चेक करें, अल्लाह कुद्दूस वस्सलाम खालिक वल्बारी वल्अलीम الباسط الوافي الودود الحكيم سبحان الله ما شاء الله। चेक करें डिटेल, इसकी डिटेल चेक करें माशाल्लाह से, इसकी डिटेल चेक करें माशाल्लाह से। मतलब अल्लाह के नामों की तो बस फिर बात ही कुछ अलग है ना, सारी चीज़ें एक तरफ, अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ोजल के नाम एक तरफ। तो बहुत खूबसूरत जगह है, विज़िट लाजमी करें। ये गुलशन 13D नीपा सलीम सेंटर के बिल्कुल नीचे इनकी शॉप है, टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल बराबर में, और बहुत खूबसूरत काम हुआ, बहुत खूबसूरत। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप भी लाजमी आएँ विज़िट करें। और कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको सही तरह से बता भी नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि
कुछ छोटे फ्रेम्स में, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े फ्रेम में। अब ये देखें जैसे माशाल्लाह लाहौली वाले कुव्वत अल्लाह, हम घरों में लगाते हैं, ये सूरह ये दुरूद शरीफ हम माशाल्लाह से घर में यूज़ करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बाबरकत चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, तो ये बआसानी आपको मिल सकती हैं। और ख़ूबसूरती का तो ये आलम है कि मतलब हर घर में लोग चाहते हैं कि यार हमें इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिले, हम अपने घर को सजाएं, डेकोरेट करें, तो ये उसके लिए बड़ा खूबसूरत सा एक पार्ट है कि आप अपने घर को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए ये इधर विज़िट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट्स में जो है वो चीज़ों को ये था मेरा आज का एपिसोड। आई होप कि आपने इसको एंजॉय करा होगा और पसंद किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त नवीद को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश करिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, कमेंट्स देना, शेयर करना ना भूलें, लाइक्स करना ना भूलें। और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे किसी और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर। सुभान सुभान अल्लाह।